Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel आशीष खन्ना फिटनेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है पुशअप मारने का, और जिनसे पुशअप नहीं लगती है वो किस तरह अपने पुशअप को अच्छे से मार सकते हैं और अपनी स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको करना है, आपको अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं और थोड़े से वाइड कर लेने हैं, ठीक है। हाथों की पोजीशन ऐसे रहेगी, कंधे बिल्कुल पीछे की साइड, ऐसे नहीं रहने चाहिए, ऐसे नहीं रहने चाहिए, ऐसे नहीं रहने चाहिए, सीधा ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इन हाथों को ऐसे सीधा रख लेंगे। उसके बाद आपको करने हैं, पैर को बिल्कुल पीछे पंजों पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको सांस अंदर भरनी है और नीचे जाना है, ऊपर आओगे सांस छोड़ देना, ठीक है। अब दूसरा, जिन लोगों से पुशअप नहीं लगते हैं उनके लिए आसान तरीका बता देता हूँ उन्हें कैसे करना है। सबसे पहले आपको हाथ ऐसे ही स्ट्रेट रखने हैं, ठीक है। पंजों की बजाय आपको घुटनों पे आके, ठीक है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। एक, दो, तीन, ऐसे आप रोज रोज धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके पुशअप करने का अच्छा मजा भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप घुटनों की जगह पंजों पे आ जाना, और पंजों पे आने के बाद कम से कम 10 रैप मारने हैं आपको, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सांस अंदर लेनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। तो ये 10 तक करने हैं। और गलत तरीका भी बता देता हूँ, जो लोग गलत तरीके से करते हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से फ्रेंड्स आप लोगों को दिक्कत हो सकती है बाद में, कंधों में फ्रैक्चर आ सकता है। तो कई लोग कैसे जो पुशअप मारते हैं वो देख लो, ऐसा गलत तरीका है ये। हाथ ऐसे खोल लिए, ऐसे ये बट जो है आपके अंदर कर लिए ऐसे, और बिल्कुल गलत तरीका। पता नहीं कौन से ग्रह से सीख के आए हैं ये वाले पुशअप, भगवान जाने, पर वो यहाँ भारत में नहीं चलेंगे। भारत में जो चलेगा वो सही तरीका ये है आपका, ये होनी चाहिए पोजीशन, देख रहे हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ये होती है पुशअप मारने की सही टेक्निक। तो प्लीज ऐसी गलतियों को ना करें और फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।